भक्तों, श्रावण मातम की आज की कथा में श्री सूर्य महाराज कहते हैं कि ऋषिवरों, भगवान शंकर जी के लगे सनत कुमार, अब मैं तुम्हारे सामने बुद्ध गुरु व्रत का वर्णन करूंगा, जिसे सिद्धा पूर्वक करने से मनुष्य परम सत सिद्धि को प्राप्त करता है। ब्रह्मा जी ने चंद्रमा को ब्राह्मणों के राजा के रूप में अभिषेक किया। एक समय चंद्रमा ने अश्वमेध यज्ञ किया, उसमें गुरु बृहस्पति आए थे। गुरु बृहस्पति की पत्नी तारा पर चंद्रमा मोहित हो गया और चंद्रमा ने जबरदस्ती तारा को अपने घर में रख लिया और उसके साथ में संबंध स्थापित किया, जिससे बुद्ध नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ, जो बुद्धवान, सौंदर्यशाली और सभी लक्षणों से युक्त था। जब बृहस्पति को पता चला कि तारा चंद्रमा के घर में है, उन्होंने चंद्रमा से कहा, मेरी पत्नी वापस कर दो। अनेक तरह से समझाने पर भी चंद्रमा ने तारा को वापस नहीं दिया। तब बृहस्पति ने देवताओं की सभा में जाकर देवराज इंद्र को यह वृतांत बतलाया कि देवराज, आप देवताओं की राजा हैं, अपनी आज्ञा से चंद्रमा को जो है उसने जो पाप किया है वो निसंदेह आपको भी लगेगा, क्योंकि शास्त्र निर्णय के अनुसार प्रजा के द्वारा किए गए पाप को राजा भुगता है। पुराणों में ऐसा कहा गया है कि दुर्बल का बल राजा होता है। गुरु का ये वचन सुनकर चंद्रमा ने, मैं आपकी आज्ञा से तारा को तो दे दूंगा, किंतु इस पुत्र को नहीं दूंगा। शास्त्र के अनुसार विचार करके देवताओं ने बुद्ध को चंद्रमा को दे दिया। इसके बाद गुरु को दास देखकर देवताओं ने उन दोनों को वरदान दिया कि चंद्रमा, अब तुम घर जाओ, ये तुम्हारा भी पुत्र है और बृहस्पति का भी पुत्र है, ये तुम्हारा पुत्र ग्रह में प्रतिष्ठित होगा। हे सुराचार, आप ये दूसरा भी वर ग्रहण कीजिए, जो बुद्धिमान व्यक्ति आप दोनों बुद्ध गुरु का ये व्रत मिलकर करेगा, उसको संपूर्ण सिद्धि प्राप्त होगी। शंकर जी के लिए अत्यंत प्रिय श्रावण मास के आने पर जो लोग बुधवार और बृहस्पतिवार को पूजन व्रत करेंगे, उन्हें सिद्धि प्राप्त होगी। इस व्रत में दही, भात, नैवेद्य, ये सिद्धि में मूल हेतु कहे जाते हैं। इसलिए जो है ये व्रत संतान प्राप्ति के लिए अवश्य करना चाहिए। मनुष्य जो है कोषागार में मूर्ति लिख करके पूजन करता है तो उसका कोष बढ़ता है। इस तरह से पाक वृद्धि देवालयों में इसकी स्थापना करें। सैयागार में लिख करके पूजन करने से स्त्री का वियोग नहीं होता। धन स्थान में करता है तो धन दान की वृद्धि होती है। इस प्रकार से सावन के सावन 7 वर्ष तक सावन में बुधवार का, गुरुवार का व्रत करें। उद्यापन से पहले अधिवासन करें, रात्रि में जागरण करें, स्वर्ण की प्रतिमा गुरु बृहस्पति की बनाकर के दान करें या धातु की जैसी शक्ति हो वैसा करें। उसके बाद जो इस व्रत में हवन करना चाहिए, पूर्णाहुति देनी चाहिए। व्रत की समाप्ति पर मामा व भांजे को प्रयत्न पूर्वक भोजन कराना चाहिए। बाद में ब्राह्मणों को, अन्य लोगों को भी भोजन कराना चाहिए, स्वयं भी भोजन करें। इस तरह 7 वर्ष तक जो मनुष्य इस व्रत को करता है उसकी सारी सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं, उसके घर में धन के भंडार भर जाते हैं। सनत कुमार जी कहते हैं, भगवान आपने बताया कि अवसर पर मामा और भांजे को भोजन कराना चाहिए, ये क्यों होता है? भगवान शंकर जी कहते हैं कि पहले समय पर दो गरीब ब्राह्मण थे, वो दोनों मामा भांजे थे। उधर पूर्ति के लिए वो भ्रमण करते हुए किसी नगर में अन्न मांगने के लिए गए। उन्होंने घर घर में श्रावण मास में प्रत्येक वार को उस वार का व्रत होते हुए देखा। उन्होंने कहीं बुद्ध गुरु का व्रत नहीं देखा। तब उन्होंने बहुत देर तक विचार किया कि सभी वारों का व्रत तो दिखाई देता है, किंतु बुद्ध गुरु का व्रत नहीं हो रहा। इसलिए हम दोनों को चाहिए इस शुभ व्रत का अनुष्ठान आदर पूर्वक करें। इसकी विधि न जानने के कारण दोनों संशय में पड़ गए। रात्रि में उन्हें स्वप्न में इस व्रत की विधि दृष्टिगोचर हो गई। इसके बाद विधि पूर्वक उन्होंने इस व्रत को किया। प्रतिदिन उनकी संपत्ति बनने लगी, सभी लोगों को ज्ञात भी हो गई। इस प्रकार 7 वर्ष तक वो पुत्र पोत्र से संपन्न हो गए। इसके बाद उनके ऊपर प्रसन्न होकर गुरु प्रकट हुए। उन्होंने वरदान दिया कि आप दोनों ने हम दोनों के निमित्त व्रत को शुरू किया है,
इस व्रत को जो करेगा व्रत की समाप्ति पर मामा भांजी को भोजन कराएगा, इस व्रत के प्रभाव से उसके सभी मनोकामनाएं सिद्ध हो जाएंगी। अंत में चंद्र सूर्य हमारे लोक में वास मिलेगा। इस तरह से मामा भांजी को भोजन भी कराया जाता है। इति श्री स्कंद पुराणे शिव सनत कुमार संवादे श्रावण मात्तमे बुद्ध गुरु व्रतम आठमो